اللهم لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز صغرہ کربلائیہ بنت محمد عیسیٰ کربلائی مرحوم کی روح کو اسحال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد عزیزان گرامی بزرگان ملت معزز سامعین کرام برادران ایمانی عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام عزیزو آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب بعنوان مجلس چہلم برپا ہو رہی ہے اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحہ شرف حاضری ہے میں نے اس وقت اس مجلس کے لیے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت ہر ذہن میں محفوظ ہے اس قدر محفوظ ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کے یہ ورد زباں ہے اور اس لیے بھی ورد زباں ہے کیونکہ ہر ذہن ہر ہفتہ اس آیت سے معصور ہوتا ہے اور اس لیے بھی اس آیت کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ پوری کی پوری حدیث قصا اسی آیت پر مسخر ہے اور اس لیے بھی ہمارے یہاں حدیث قصا کی اتنی عظمت اور اتنی برکت ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں دو چیزیں شامل حال ہیں کہا حدیث قصا جاتا ہے موجود آیت تطہیر ہوتی ہے عزیزان گرامی چونکہ اس آیت تطہیر کو پوری طرح سے احادیث کے چادر میں لپیٹا گیا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ جو احادیث بیان کی جا رہی ہے اس کی بیان کرنے والی صدیقہ ہے
गौर कर रहे हैं आप। अजीज आने गिरामी, चूंकि हदीसे के साथ हर घर में पढ़ी जाती है, हर लम्हा, हर मौका, हर मंजिल पे पढ़ी जाती है, वो हर जहन इससे बिल्कुल मानूस है, मगर शायद कोई बात हो जो आप तक अपनी कलमी और कजमज बयानी के तहत पहुंचा सकूं। इरशाद कुदरत हो रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हर अब अज़ीज़ाने गिरामी, पहली बात तो ये है कि ये आयत आयत तत्हीर है। इसी आयत तत्हीर का नाम हमारे यहाँ पूरी तरह से हदीसे किसा है। हदीसे किसा के ज़िम्न में ही आयत तत्हीर है। हदीसे किसा की आज़मत हर जहन वाकिफ है, बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस यूँ समझ लें कि हदीसे किसा शियाइज़्म में, शिया घरानों में इतनी मकबूलियत की हामिल है कि हमारे यहाँ इब्तिदा ता इंतहा हदीसे किसा ही हदीसे किसा है। हमारे यहाँ संगे बुनियाद हो तो हदीसे के साथ, तामीरी मकान हो तो हदीसे के साथ, अकीक़े मसनूना हो तो हदीसे के साथ, सेगए अक्द हो तो हदीसे के साथ। इसका मतलब हमारे यहाँ हर लम्हा हदीसे के साथ कार फरमा है। वो इसलिए भी है क्योंकि इसमें मासूमा की हदीस है, और इसलिए भी है कि इसमें अल्लाह की भेजी हुई तत्हीर वाली आयत है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़रा ट्रांसलेट हो जाए, तर्जुमा हो जाए, जहन वाकिफ है, मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ दोहरा रहा हूँ। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा, सुनिएगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इरशाद हो रहा है, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा। क्या? कि अल्लाह अहले बैत से हर तरह का रिस, आलूदगी, पलीदगी, गंदगी दूर ही रखे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और इन्हें ऐसा पाको पाकीज़ा गर्दाना जाए कि जो पाकीज़गी का हक है। अब ये तर्जुमा हर जहन में है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा 19-20 मुसलमानों में तर्जुमा होगा, और वो जो होगा वो भी आपके सामने क्लियर कर दे। जैसे लफ्ज आया है इस आयत में, पहला लफ्ज है लफ्ज इन्नमा। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शोरा मौजूद है, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत की जाज़बियत और नुदरत को समझने के लिए यूं कह देना काफी है कि खलाकियत ने, उलूहियत ने शान अहले बैत में जब कसीदा लिखना चाहा तो अल्लाह ने हुस्ने मतला के तौर पर लफ्ज इन्नमा का इंतखाब किया। शान अहले बैत में उलूहियत ने चाहा कि कसीदा हो, जब उसने कसीदा रकम करना चाहा तो उस कसीदे में हुस्ने मतला के तौर पर लफ्ज इन्नमा का इंतखाब किया। अब ये इन्नमा अपने आप में इतनी जाज़बियत का हामिल है कि दुनियाए अक्ल हैरा है कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अब आप सुनिए, अल्लाह कहना यह चाह रहा है कि बस और बस इन्नमा, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह अहले बैत से हर तरह की गंदगी को दूर ही रखे और इन्हें ऐसा पाको पाकीज़ा गर्दाना जाए जो पाकीज़गी का हक है। अब हो सकता है गैर कौमें या गैर अफराद या गैर ग्रोह या कुछ ऐसे अफराद यहाँ तंज करें और साहब तंसीख करें और तरदीद करें और ये कहते हैं कि साहब ये आप बस और बस का तर्जुमा कहाँ से लाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर मैं अपनी किताबों से साबित करूँ तो लोग कहेंगे अकीदत है, अगर मैं अपनी किताबों से साबित करूं तो लोग कहेंगे अकीदत है, लेकिन मैं ऐसी चीजें बयान करूं कि जिसे ये भी माने, वो भी माने, वो भी माने, वो भी माने। और अज़ीज़ाने गिरामी, वो चीज है अरबी जुबान का ग्रामर।
इसका मतलब जो कानून हमारे यहाँ है वही उनके यहाँ है, वही उनके यहाँ है, वही उनके यहाँ है। तो इस आयत की इनफरादियत को समझने के लिए जरूरी है कि मिल्लत इस्लामिया इस आयत के ग्रामर पर गौर करे, और जब इसके ग्रामर पर गौर किया और पूछा गया कि दुनियाए अरब से ये बताओ कि ये जो इस आयत में इन्नमा आया ये है क्या, तो सारी कायनात ने मिलके कहा इन्नमा है कलमाए हस्र, जहां आता है हिसार कायम करता है, जहां आता है इन्हिसार बनाता है, जहां आता है एक दायरा बनाता है, जहां आता है बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है, जहां आता है कि हाथा कायम करता है। और याद रखिएगा कि ये इन्नमा का पावर है कि इन्नमा है कलमा हस्र, और जिसके लिए आता है उसे अपने हिसार में ले लेता है, और हिसार में लेके दुनिया वालों को बताता है कि आप घर के अंदर वालों का मेयार और है, बाहर वालों की हैसियत और है। और कर रहे अब अजीज आने ग्रामी देखे डिफिनेशन वो हो कि हर खित्ते को समझ में आए कि साहब लोग कह रहे हैं आप ये बस और बस वाला तर्जुमा कहां से लाए। तो सुनिए इन्नमा है कलमाए हस्र, और कलमाए हस्र का काम ये है कि जहां आएगा हिसार बनाएगा, और जिसके लिए हिसार बनाएगा उसे अपने हिसार में ले लेगा, और जिसे अपने हिसार में ले लेगा फिर ये क्लियर हो जाएगा कि अब इनके जैसा कोई नहीं। और कर रहे आप, इससे आसान लफ्ज़ हो ही नहीं सकती इस लफ्ज़ को बयान करने के लिए कि इन्नमा है कलमे हस्र, और जिसे इन्नमा अपने हिसार में ले लेगा क्लियर कर देगा कि अब इनके जैसा कोई नहीं। लिए मजलिस का पहला जुमला आपकी ज़ौक़े समाज के हवाले, अल्लाह ने बाबे फजीलत तहारत में जब अहले बैत की शान में कसीदा लिखा तो अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा चुना, और लफ्ज़ इन्नमा चुनकर दुनियाए जहान को बताया कि दुनिया याद रखे कि बाबे तहारत में तैयब और ताहिर तो बहुत मिलेंगे मगर इनके जैसा कोई नहीं। गौर करें आप, बाबे तहारत में तैयब और ताहिर तो आपको बहुत मिलेंगे मगर इन्नमा का क्लियरेंस बता रहा है कि इनके जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्हिसार वाले हैं, ये हिसार के दायरे में हैं, ये हिसार में है, ये हाते में है। मालूम हुआ अल्लाह कह रहा है कि बहुत से होंगे तैयबो ताहिर दुनिया में मगर जैसे तैयबो ताहिर अहले बैत है कोई नहीं। देखिए शान अहले बैत है, कुरान सबके सामने है, आयत सबके सामने है, हर खित्ता सुन सकता है। मालूम हुआ कि बाबे तहारत में जैसे तैयब व ताहिर अहले बैत है इनके जैसा कोई नहीं। इसका मतलब इन्नमा की छोटी सी तारीफ ये हुई कि इन्नमा जिसके लिए आता है क्लियर कर देता है कि इनके जैसा मुतवज्जे है आप। अब अजीजाने गिरामी हम तो ये समझ रहे थे कि खाली मामला तहारत का होगा, लेकिन जब हमने कुरान की और भी बाजी आयतों को देखा तो हमें कुरान ने अद्भुत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया और कहा देखो खाली तहारत की मंजिल नहीं है, अरे कुछ और भी ऐसी मंजिलें हैं जहां दुनिया अहले बैत के मुकाबले में टिकी नहीं सकती। अगर दुनिया बड़े बड़े नाम लेके भी आएगी तो अहले बैत जैसा कोई नहीं। अब कहिए तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अरे बाबे तहारत देखा तो अहले बैत जैसा कोई नहीं, और बाबे विलायत देखा तो अहले बैत जैसा कोई नहीं। गौर कर रहे हैं आप, अब आइए आपको आए सुनाओ इन्नमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलु इरशाद हो रहा, बस और बस सुनिएगा तभी आयत का लुत्फ आएगा। बस और बस, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। और कर रहे हैं आप, यहां भी लफ्ज इन्नमा आया, इसका मतलब यहां भी इन्नमा ने किन हस्तियों को हिसार में लिया है। कैसे? इन्नमा वलीयकुम अल्लाह, बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो है जो नमाज को कायम करता है हालत रुकू में, जकात देता है। मालूम हुआ यहां भी अल्लाह ने कुछ हस्तियों को बयान किया है इन्नमा के जरिए से। एक तो खुद ज़ाते खुदा, दूसरी ज़ाते नबी,
तीसरी जाते अली, अब समझ में आया कि अल्लाह बयान कर रहा बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, हालत रुकू में ज़कात देने वाला अली है। अब समझ में आया मैं मार्केट के बूफों को कैसे समझाऊं कि भैया हर 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 गली कूचे में बनी हुई मजार पर पड़ी हुई चादर का नाम वलीउल्लाह नहीं होता। वलीउल्लाह कुरान के अकॉर्डिंग अगर कोई है तो अल्लाह है, उसका रसूल है और मौला अली है। अब आप मार्केट में निकलिए, आपको देखिए जितनी जगह आपको दिखेंगी पूरा सूफीज्म पढ़ा लिए, ये साहब वलीउल्लाह, ये साहब वलीउल्लाह, ये साहब वलीउल्लाह। मालूम है हर जगह का मेयार यही बना कि जिसको चाहा वलीउल्लाह बना दिया, लेकिन कुरान बयान कर रहा है इन्नमा के साथ पहरा लगा है। गोया दुनिया की ज़हनियत को अल्लाह ने झिझोड़ दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ उर्स हो, किसी के भी बाप दादा मर जाए उनका उर्स हो, वो वलीउल्लाह हो जाए। अल्लाह ने पहरा लगा आया है इन्नमा का, और इन्नमा का पहरा लगा के कहा बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात दे। तो अब आपको इन्नमा समझ में आया, इन्नमा है कलमे हस्र, जहां आता है जिसके लिए आता है, क्लियर करता है कि इनके जैसा कोई नहीं। तो बाबे तहारत देखो तो अहले बैत के जैसा कोई नहीं, और बाबे विलायत देखो तो इन हस्तियों के जैसा कोई नहीं। अरे कुर्बान जाइए, एक आयत और पढ़ूं शायद बात वाज़े हो जाए। यही वजह थी कि जब अल्लाह ने खुद की पोजीशन बताई तो अल्लाह ने कहा इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। और करें आप, जब अल्लाह ने अपनी पोजीशन पे गुफ्तगू की तो अल्लाह कह रहा बस और बस तुम्हारा अगर कोई अल्लाह है तो फकत अल्लाह, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस और बस अगर तुम्हारा कोई अल्लाह है तो फकत अल्लाह है। अब आप बताइए इसका मतलब बाबे तहारत में अहले बैत जैसा कोई नहीं, बाबे विलायत में इन हस्तियों के जैसा कोई नहीं, बाबे उलूहियत में अल्लाह के जैसा कोई नहीं। अब 36,000 देवी देवता हो या सैकड़ों भगवान हो, मगर इन्नमा का पहरा बता रहा है बस और बस अगर तुम्हारा कोई अल्लाह है तो फकत अल्लाह है। यह है इन्नमा का पावर। तीन आयतें आपने सुनी और इन तीनों आयतों से यह तो इस बात हुआ कि मालूम जहां इन्नमा आता है दूसरों से मुस्तस्ना कर देता है, यानी दूसरे और हैं, इन्नमा वाले और हैं। अब जुमला सुनिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मालूम हो उलूहियत की मंजिल अल्लाह का कोई सानी नहीं, विलायत की मंजिल में इन हस्तियों जैसा कोई नहीं, तहारत की मंजिल में फातिमा जैसा कोई नहीं, और कर रहे अहले बैत जैसा कोई नहीं। बात आगे आएगी तो बात वाज़े हो जाएगी। इसका मतलब तहारत की मंजिल में इनके जैसा कोई नहीं, खुल के कह सकते हैं आपके फातिमा के जैसा कोई नहीं तहारत की मंजिल में। अब आप कहेंगे साहब जिस आयत से आप तहारत फातिमा पर उछल रहे हो ऐसी आयत किसी और बीबी के लिए भी कुरान में है, उनकी भी तो तहारत का जिक्र है। तो देखिए किसी के बात किसी कोई बात किसी जहन पे शकील ना हो, बात वाज़े होनी चाहिए। देखिए आपके सामने जो ग्रोह ये बातें पेश करेगा वो ग्रोह कोई और नहीं है, पढ़ा लिखा होगा, वो जो बातें पेश करेगा वो बात आप खुद सुन लिए। वो कहते हैं कि तहारत फातिमा पे ये शिया कुनबा इतना ज्यादा उछल रहा है आयत तथहीर लेकर कि जैसे लगता है खाली फातिमा ही की तहारत का ऐलान हुआ, क्या किसी और की तहारत का ऐलान नहीं हुआ। मैंने कहा मौलवी साहब आप जो कहना चाह रहे हैं वो हमें पता है, आप वही आयत लाना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तुहर के, ए मरियम बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया और आपको पाक कर दिया। और कर रहे हैं आप, यही तो मुसलमान लाएगा है कि साहब अगर बीबी फातिमा की तहारत का तस्करा है तो बीबी मरियम की भी तहारत का तस्करा है, अगर यहाँ आयत कुरान है तो वहाँ भी आयत कुरान है, अगर उनके लिए कुरान में सनद है तो इनके लिए भी कुरान में सनद है। तो ये बताइए अजमत फातिमा कौन सा दोबारा हो गई। तो मैं कैसे मुसलमानों को समझाऊँ कि खाली आयतों से इत्तेफाक न कीजिए कि साहब उनके लिए भी आए तहारत, इनके लिए भी आए तहारत, वहाँ भी कुरान की आयत, यहाँ भी कुरान की आयत,
उनका भी जिक्र कुरान में, इनका भी जिक्र कुरान में। लिहाजा मरियम और फातिमा इक्वल नजर आ रही है, वो भी बराबर, ये भी बाहर बराबर, उनके लिए भी आयत, इनके लिए भी आयत। जी नहीं, अगर खाली आयत ही मद्दे नजर होती तो आयत हमें हिजरत के भी वक्त मिली है। एक आयत बिस्तर पे सोने वाले के लिए आई, एक गार में रोने वाले के। और कर रहे, अगर आयतें मुराद होती भाई तो रोने वाले के लिए भी आयत है, सोने वाले के लिए भी आयत है। मगर फर्क आप देख रहे हैं, जब रोने वाले के लिए आई तो डांटा गया साहिब। और याद करिए वो लम्हा कि जब तुम्हारा साथी रो रहा था और तुमने उसे डांटा और समझाया कि मत रो, मगर जो सोने वाले के लिए आई, वह मिनन नासि महेश रे नफ्सहु तगा। और कर रहे हैं अजीज आने गिरामी, तो आयत आने का फर्क नहीं है, आयत की नुदरत तो कैफियत देखे तब लुत्फ आएगा। तो लोग कह देते साहब मरियम और फातिमा तो एक साथ नजर आ रही है, उनके लिए भी तहारत की आयत, इनके लिए भी तहारत की आयत, वहां भी कुरान है सनद, यहां भी कुरान है सनद, वहां भी आयत मौजूद, यहां भी आयत मौजूद। तो पहली बात तो आपकी खिदमत में यूं अर्ज कर दे कि जब अल्लाह ने जिक्र तहारत मरियम किया तो अल्लाह ने जिस सेगे का इंतखाब किया वो एक ही जमाने का है, मगर जब फातिमा की तहारत का ऐलान हुआ तो ये तहरकुम तत्हीरा। और करें थोड़ी सी दिक्कत हो तो बात वाजे हो जाए। अजीजा ने गिरामी, तो पहली बात तो आप देख ले, एक जमाने का मुख्तार होना और है, हर जमाने का मुख्तार होना और है। अजीजा ने गिरामी, अब रही बात दूसरी, तो दूसरा फर्क वाजे हो जाए, जो मेरा मौजू था क्लियर हो जाए। दूसरा फर्क यह है कि अगर वो कोई कहता है कि साहब मरियम के लिए भी आयत है, फातिमा के लिए भी आयत है, दोनों बराबर, जी नहीं, हो ही नहीं सकता बराबर। तो हम तब समझते कि जैसे अल्लाह मरियम के लिए गुफ्तगू कर रहा है वैसे ही फातिमा के लिए किया होता, लेकिन जब अल्लाह ने मरियम की तहारत बयान की तो डायरेक्ट बयान हुई, मगर जब फातिमा की तहारत बयान हुई तो अल्लाह ने इन्नमा का पहरा लगाया। अरे इन्नमा का पहरा बता रहा है कि होगी मरियम तैयब और ताहिरा, मगर फातिमा जैसी ताहिरा कोई नहीं। एक सलाम पढ़ दे वर मोहम्मद। हसन हुसैन जिंदाबाद, ए हसन हुसैन जिंदाबाद, ए अब्दुल कासिम जिंदाबाद, ए अनु मोहम्मद जिंदाबाद, ए नारे हैदर अली, नारे सलवा। एक तरफ बुलंदरीन सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने सामने की बात है, कोई पेचीदा आयत नहीं, कोई अजीब सी आयत नहीं जो जहन नशी ना हो या जुबाजद ना हो, बिल्कुल हर जुबान पे बसने रचने वाली आयत है। और वो आयत तथीर है, इरशाद हो रहा है बस और बस। अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह हर इसको अहले बैत से दूर रखे और इन्हें ऐसा पाको पाकीजा गर्दा ना जाए कि जो पाको पाकीजा होने का हक है। आयत तर्जुमा सबको पता है, लेकिन एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आपने अभी लफ्ज इन्नमा पे गुफ्तगू सुनी, तीन तीन आयतें सुनी। इन्नमा क्लियरेंस है, एक ऐसा नुक्ते इम्तियाज है जो क्लियर कर देता है कि ये वाले और है, वो वाले और, दायरे वाले और है, बाहर वाले और है। ये दायरे में जो है इनके जैसा भी कोई नहीं, चाहे आप उलूहियत की मंजिल देख लें, विलायत की मंजिल देख लें, तहारत की मंजिल देख लें, जहां जहां भी इन्नमा आता है क्लियर करता है कि इनके जैसा कोई नहीं। और फरमा रहे आप, लेकिन अजीज आने गिरामी, इतना बड़ा दर्जा देने के बाद और इन्नमा का पहरा लगाने के बाद उलूहियत कह क्या रही हो? अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, बस और बस, अल्लाह का इरादा ये ठहरा। अब सुनने वाली बात है, अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। सुने आप, यही तो इरादा है अल्लाह का, सब सुनते हैं। अल्लाह का इरादा ही तो है इस आयत में कि अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह ये कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, यही तो इस आयत में है। अजीज आने गिरामी, जब दूसरी कौमों ने आपकी
जुबान से हदीसे के साथ सुनी और आयते तथीर सुनी और उसका तर्जुमा सुना तो दूसरी कौमों ने एतराज किया, ये कौम का है इतना हदीसे के साथ को लेके उछल रही है, क्यों आयते तथीर पे इतना नाजा है, क्यों इनकी जबीनों पे पेश इनकी पेशानियों पे बलाए आ रहे हैं कि साहब इतनी जबरदस्त आयत, इतनी मेयारी आयत, इतनी बाबरकत आयत, इतनी बुलंद पाया आयत कि अल्लाह इन नमा का पहरा लगा रहा है। और अल्लाह ने इस आयत में किया क्या है, खाली इरादा और कर रहे हैं आप, किया क्या भाई अल्लाह ने इस आयत में, खाली इरादा। तो गैर कौमें एतराज करती, भैया अल्लाह ने खाली इरादा किया है, ऐलान नहीं किया है कि हमने पाक कर दिया या हमने ऐसा पाकीजा बना दिया या हमने उनसे निजासत को दूर कर दिया। ए भैया खाली इरादा किया है अल्लाह ने, ऐलान थोड़ी है, कई हुक्म थोड़ी है, कई अपनी कारकर्दगी थोड़ी बता दी अल्लाह ने, कई अल्लाह ने माजी का सेगा थोड़ी इस्तेमाल कर दिया है। भाई अल्लाह का फकत इरादा है, इरादा। अब आप बताइए, गैर कौमें आपसे कहते हैं इलाही निजाम आप देखें तो अल्लाह ने खाली इरादा किया है, कुरान में ऐलान थोड़ी किया है, सुनाया थोड़ी है सबको, पब्लिकली थोड़ी बता दिया कि हमने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, अल्लाह ने अपना इरादा जाहिर किया। सुनिएगा, तो मेरा मुसलमानों से खिताब यह है कि भैया आप क्या समझते हैं ये अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का, नहीं नहीं जुमला बदल दूं, देखिए अल्लाह ने इस आयत में इरादा किया है, तो याद रखिएगा अल्लाह का इरादा और है, मुल्ला का इरादा और है। अब कैसे क्लियर होगा सुनिए, मसलन ऐसे क्लियर हो जाएगा, मसलन मैंने सोचा था कि पूरी मजलिस टोपी लगा के पढ़ूंगा मगर इरादा बदल गया, तो आप सबको समझ में आएगा ना, अल्लाह का इरादा और है, मुल्ला का इरादा और है। अल्लाह का इरादा क्या मतलब, कभी बदल नहीं सकता, टूट नहीं सकता, मगर मुल्ला का इरादा बदल सकता है, यानी मैदान में जा सकता है तो आ भी सकता है। और अजीज आने के रामी, हर एक का इरादा बदल सकता है मगर अल्लाह का इरादा है अल्लाह का, इस पे आप अंगुश नुमाई नहीं कर सकते, इस पे आप इजहार ख्याल नहीं कर सकते, इस पे आप बेतुकी बातें नहीं कर सकते, कैसा इरादा ही तो हुआ है, ऐलान थोड़ी हो गया। ए भैया अल्लाह का इरादा इसको समझो, और अगर यहां से नहीं समझ सकते तो कुरान से समझो, अगर अब भी नहीं समझ सकते तो मेरे साथ आओ, हम सब मिलके अल्लाह से पूछे माबूद जरा अपने इरादे की परिभाषा बता, मेरे महबूद अपने इरादे की डिफिनेशन दे, मेरे महबूद कुछ तारुफ करा अपने इरादा का, इरादे का, क्या तेरा इरादा भी हम लोग की तरह टूट जाता है, बदल जाता है, महबूद बता कैसा होता है तेरा इरादा। अल्लाह ने कहा पढ़ सूरह यासीन 36वां सूरा, इरशाद हो रहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादल्लाहु शैया अन यकूल लहू कुन फयकुन। देखिए इरादा है अल्लाह का, अल्लाह का इन्नमा, देखिए फिर इन्नमा आ रहा, इन्नमा फिर आ रहा है, इन्नमा अरादल्लाहु शैया अन यकूल लहू कुन फयकुन, का जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा करता है तो अल्लाह उसके लिए कहना चाहता है कि हो जा, कि वो हो चुका होता है। सुने आप अल्लाह का इरादा, अल्लाह का इरादा सुनने, अल्लाह कहता नहीं है, हुक्म नहीं नाफिज करता है। अरे 36वां सूरा सूरह यासीन बता रहा है कि अल्लाह का इरादा होता कैसा है, अल्लाह कह रहा है अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो अल्लाह कहना चाहता है कि हो जा, कि वो हो चुका होता है। सुना आपने, ये है अल्लाह का इरादा, इसका मतलब अल्लाह कहता नहीं है काम हो जाता है, अल्लाह कहता नहीं है काम हो जाता है। अब जो लोग हम शियों के ऊपर शिर्क का फतवा लगा देते हैं कि साहब ये लोग तो अहले बैत को भी अल्लाह से मिला देते हैं, तो हम क्लियर कह देते हैं कि भैया मासूमीन का मकाम और है, अल्लाह का मकाम और है, इसलिए कि अल्लाह को जुम्बिश लब की गुंजाइश ही नहीं, अल्लाह के यहां जुम्बिश लब की गुंजाइश ही नहीं, मगर मासूम का मकाम वो है कि यहां लबों को हरकत हुई
وہاں ماہیت بدل گئی. یہ ہے معصوم. اس کا مطلب اللہ وہ ہے جو سوچ لیتا ہے کام ہو جاتا ہے, مگر معصومین کے لیے کہ اللہ ہلے اور کام ہو گیا. سب کا سنا ہوا سر سینکڑوں دفعہ کا واقعہ, چوتھے امام دسترخوان سے اٹھے, میزبان آفتابہ لیے ہوئے پانی ڈال رہا ہے, حضور ہاتھ دھو رہے, دھوون تش میں گر رہا ہے. سرکار نے پوچھا تش میں کیا ہے, کہتا حضور آپ کے ہاتھوں کا دھوون, کا غور سے دیکھ سفید موتی. لب ہلے اب جو دیکھا دھوون موتی. دیکھا آپ نے ارادہ بدلا, صرف نہیں کہا زبان سے کہا موتی ہو گیا. حضور نے پوچھا آپ کیا, کہا موتی. امام نے کہا نہ یاقوت سرخ, پھر زبان سے کہا یاقوت سرخ ہو گیا. حضرت نے کہا آپ کیا, کہا یاقوت سرخ, نہ سب زبرد. اب جو دیکھا تو سب زبرد. اس کا مطلب معصوم کو سمجھ رہے ہیں, لب ہلے نہیں کہ کام ہو گیا. یہ ہے عصمت. الوہیت کی منزل کیا ہے؟ قرآن دیکھیے تو الوہیت اپنے ارادے کے بارے میں کہتی ہے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہو جا کہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اللہ کو جنبش لب کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں اللہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ ہو جاتا ہے. لیکن جب معصومین کو پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. اے بھیا اگر بات اب بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ معصومین کیسے کہتے ہیں اور کیسے ہو جاتا ہے, تو آپ ہماری کتابیں پڑھنا چھوڑ دیجئے, کم سے کم اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھیے کہ دربار شام میں اولاد علی کی آمد ہوئی اور فقیر شام ممبر پہ بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس کے دروازے کے اور گھرانے کے جاروب کا شبہ ہوئے, سب نے امامت کی توہین کرنا چاہی اور ایک بندہ کچھ زیادہ ہی اچھلا تھا کہ امامت کے لبوں کو جنبش ہوئی اور امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی جو مردوں میں چلی آئے. تو آپ دیکھ لیں, آپ کو اس تاریخ میں بھی مل جائے گا کہ وہاں بھی لب ہلے تھے اور ماہیت بدل گئی تھی, لب ہلے تھے جس بدل گئی تھی. اور عزیزان گرامی, اب بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ احتجاج دیکھ لیں امام کا, خطبہ دیکھ لیں دوسرے امام کا. تاریخ کہتی پری پلان پورا کام ہو رہا تھا, میں خالی اشارے دے رہا ہوں, وقت ضیاء نہیں. پری پلان کام تھا کہ سرکار حسن دربار میں آئے تو ماذا اللہ انہیں ذلیل کرنا ہے, کوئی اٹھے گا نہیں, کوئی تعظیم نہیں کرے گا. بادشاہ صاحب کا حکم تھا صاحب, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امامت کا چراغ اول آگے بڑھا تو کوئی آگے نہ بڑھا, مگر ہاں حکم ہوا ہواؤں کے جھونکوں کو, آگے آگے حسن, ان سے بھی آگے ہوا کے تن جھونکے ایسے چلے کہ پردہ خود ہی اڑا, دروازہ خود ہی کھلا, سرکار کی آمد خود ہی ہوئی. جیسے ہی امامت کے پیروں کی چاپ دربار حاکم میں گونجی, تاریخ کہتی ہے کہ سارا کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا. مگر تاریخ نے جھروکا لکھا ہے کہ ایسے عالم میں سارے کے سارے درباری حاکم کو گھور رہے تھے اور حاکم درباریوں کو گھور رہا تھا. کیا مطلب؟ کا مطلب صاف تھا کہ حاکم کہہ رہے جب منع کیا تھا تو اٹھے کیوں, اور درباری تردد میں تھے, ہمیں روکا تھا اور خود ہی اٹھ گیا. غور کر رہے آپ؟ مگر عزیزان گرامی بعد تحقیق پتہ یہ چلا کہ جب درباریوں نے پوچھا حضرت آپ نے ہمیں روکا تھا, کم از کم آپ نہ اٹھے ہوتے, تو درباریوں سے حضرت نے ایک جملہ کہا, میں چہ رہا تھا کہ نہ اٹھوں لیکن میں نے اپنی نظروں سے کوئی ایک عجیب ہیکل کا فرشتہ دیکھا اور یوں لگا کہ جیسے پنجے شاہین نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہو اور مجھ سے کہا اٹھ, دیکھ فرزند رسول آیا ہے. اور کیا عزیزان گرامی, یہاں تک تو معاملہ کلیئر تھا, میں اشارے دے دوں جلدی سے. اس کے بعد کی منزل یہ ہوئی کہ جب سرکار آ گئے اور سب احترام احترام ہو گیا تو اس کے بعد وہ پھر ممبر پہ بیٹھے اور رعایا پھر بیٹھی, امام ابھی کھڑے تھے کہ ایک ممبر پہ جا کے قصیدہ, دوسرا قصیدہ, تیسرا قصیدہ, چوتھا قصیدہ, دیر تک اسی کی شان میں قصیدہ چلتا رہا. امامت کو جلال آیا, امام نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میاں سنو, یہ وہی بھونک رہے جو یہ کھائے ہیں. اور کر رہے ہیں, امام نے سارے فرضی قصیدے سنے اور امام نے ایک جملہ کہا, یہ وہی بھونک رہے ہیں جو یہ کھائے ہیں.
इतने में एक चम्मच से गवारा ना हुआ, वो कहने लगा दरबार हमारा, इलाका हमारा, एरिया हमारा, हुकूमत हमारी, बादशाह हमारा, तख्त हमारा, तुम हमारे दरबार में आके इस अंदाज की बातें कैसे कर सकते हो। इमाम ने उसी से कहा तुझे शर्म नहीं आई जो मर्दों में चली आई। सबने देखा कि जींस बदल गई। मगर अजीजादे गिरामी आपको क्या लगता है बादशाह ये मंजर देख के बर्दाश्त कर पाएगा? देखे आप तारीख, बादशाह को बहुत बुरा लगा, उसका दरबार, उसकी हुकूमत, उसके लोग और उसके आदमी के साथ ये काम हो जाए। अजीजादे गिरामी बादशाह को जलाल आया, उसने एक जुमला कहा सरकार इमाम हसन से कि आप क्या चाहते हैं, यही काम आपके बाप दादा करते थे। काश के जुमला पहुंच जाए, यही काम आपके बाप दादा करते थे, आपके अंदर जादू है, सहर है, यही काम आपके बुजुर्ग करते थे, कम से कम हाकिम शाम ने दुनिया को इतना तो बताया कि इनके बाप दादा वो थे जो लबों की जुम्बिश से माहियत बदल देते थे। जैसे ही इमाम को यह जुमला कहा कि आपके बाप दादा भी जादूगर थे, इमामत को जलाल आया, भरे दरबार शाम के हाकिम की आंखों में आके डाल के कहा ओ बदबख्त पहचान तू किससे मेरे गुफ्तगु है, मैं हूं हसन इब्ने अली, इन्नल अर्शा सरीरी, ये आसमान हमारी चारपाई है। तुम्हें क्या वल अहमद जमीरी, मोहम्मद मेरा जमीर है, वाली अमीरी, अली मेरा अमीर है, वल हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा वजीर है, व जिब्रील फकीरी, जिब्रील हमारा खादिम है। तो इमाम के खुतबे के जुमले हैं, इमाम फरमाते हैं आसमान हमारा पाए तख्त है, मोहम्मद हमारे जमीर है, अली हमारे अमीर है, हुसैन हमारा वजीर है, जिब्रील हमारा खादिम है। आगे का जुमला बर्दाश्त करिए। इमाम ने कहा इमशेता अन अकुले लका सीरी। अब सुनिएगा, इमाम ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, क्योंकि अभी उसने एक कांड देखा था कि इमाम ने क्या किया है। अब इमाम का जुमला सुनिए, इमशेता अन अकुले लका सीरी, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे सीरी कर दूं? अब पढ़िए जाके लुगत में सीरी कहते किसे हैं। इमाम ने बादशाह को यह कह के लर्जा बरंदाम कर दिया कि तू चाहता है कि मैं तुझे सीरी बना दूं। अब जो लगत में सीरी ढूंढा तो पता चला सीरी उसे कहते हैं जो ना मर्द हो ना औरत हो। एक सलाम पढ़ दे मेरे मोहम्मद, अगर एक मिल के सलावत पढ़ दे मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो देखे बात क्या थी, इरादे वाली बात थी ना, इन्नमा आपने सुना युरीदुल्लाह, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा। लोग कहते भैया इरादा ठहरा ही तो है, ऐलान थोड़ी हो गया है, ऐलान अल्लाह ने थोड़ी कर दिया, एकाम थोड़ी नाफिज कर दिया, हुक्म थोड़ी जारी किया, अल्लाह ने अपना इरादा जाहिर किया कि बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा। तो भाई साहब अल्लाह का इरादा होता क्या, पहले ये सुनिए, कि अल्लाह का इरादा ये होता है कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ऐसा करूं तो वो हो जाता है। इसका मतलब अल्लाह का इरादा फेल बन जाता है। अब ये ना कहिए ये मेरी अपनी मजबूरी है, मैं क्या करूं, क्यों ऐसे इरादे वाले ने अपनी जात का एक मजार बनाया, सुने आप, ताकि दुनिया को पता चले कि कैसे इरादे फेल में तब्दील होते हैं। सुनिए, अभी तक तो आप सुन रहे हैं ना, उलूहियत का मकाम क्या है, वो सोच लेता है काम हो जाता है, इमामत का मकाम क्या है, वो कह देता है कि काम हो जाता है। मगर इन दोनों के बीच में एक मसला और है, अल्लाह ने किसी जात को अपने सिफात का मजहर बनाया तो कैसे पता चले वो किस सिफात का मजहर है? बस एक ही पॉइंट है जहां पता चला वो किस सिफात का मजार है, कहां का, जब जाली मुर्दा अली के सामने लाया गया और हजरत से कहा गया सरकार नमाज पढ़ाइए, किसी तारीख में दिखा दे आप कि हजरत ने उसकी नमाज पढ़ाई हो, कहीं मिला हो,
کہ میرے امام نے اس کی نماز پڑھائی ہو, پہلی تکبیر میں یہ پڑھاؤ, دوسری فصل میں یہ پڑھاؤ, تیسری فصل میں یہ پڑھاؤ. مولا نے کہا ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, مولا نے کہیں کہا ہو کہ پروردگار ہم اس سے سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں جانتے, کہیں علی نے کچھ کہا ہو, کوئی فصل پڑھی ہو, کچھ نہیں ملا. نماز پڑھا دی, نماز پڑھا دی, مشہور ہے. ارے بھائی پڑھائی نہیں نماز تو پھر ہوا کیا تھا؟ کہ خالی تاریخوں میں اتنا ملا کہ جیسے لوگوں نے جعلی مردہ لکھا کہ حضرت پڑھائیے, تو حضرت نے اس کے ذمہ دار سے پوچھا کہ پڑھائے, تو اس نے بھی بڑا اترا کے کہا لاتے کہے ہیں جنازہ, پڑھائیے. تو اس میں بڑھیا بھی تھی بڑی زہر کی بجھائی, حضرت پوچھ رہے پڑھا دوں تیرے بیٹے کی نماز, کہتے لاتے کہے ہیں جنازہ, پڑھائیے. اب خدا کی قسم امامت کا کام کیا ہے وہ سنیے. امیر المومنین جنازے کے قریب آئے اور قریب آنے کے لیے امام نے صدائے تکبیر کو ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے نماز میت کا ارادہ کیا. نا نا بات پہنچی نہیں رہی ہے, نا نا علی نے نماز نہیں پڑھائی, ارادہ نماز میت کیا, ارادہ نماز نہیں, ارادہ نماز میت کیا. ارے بھیا ارادہ نماز میت کب ہوتا ہے؟ جب مردہ سوچ لو کہ یہ مردہ ہے, تب مردے کا ہوتا ہے ارادہ نماز میت. علی نے خالی ہاتھ اٹھا کے ارادہ نماز میت کیا کہ کچھ لوگ ڈسٹرب کر دیے کہ نماز پڑھانے جا رہے ہو, میاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, اما آپ کو چادر کے نیچے کی بات نہیں پتا. ڈسٹرب ہوا نا, وہیں پہ لوگوں نے ٹوک دیا. عزیزانِ گرامی معاملہ صرف اتنا تھا کہ علی نے ارادہ نماز میت کیا. اب جملہ پیش خدمت ہے, ارے حجت خدا اگر کسی کو مردہ سوچ لے تو اس کا زندہ رہنا حرام. علی نے خالی سوچا تھا, ارادہ کیا تھا, صدائے تکبیر کو ہاتھ اٹھایا تھا کہ بندے آگے واہ صاحب نماز شروع کر دی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ زمین کے راستوں زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, اما میاں تمہیں چادر کے نیچے کی بات نہیں پتا, یہ تو زندہ ہے. علی نے کہا پھر چادر اٹھا کے دیکھ. غور کرے آپ عزیز آلے گرامی, گویا یہ علی پہ اعتراض کر رہے تھے تجھے چادر والی بات نہیں پتا. علی نے مسکرا کے کہا وہ تمہارے اجداد تھے جنہیں چادر والی بات نہیں پتا. کبھی والدین پہ نہ جائیے, بزرگوں پہ نہ آئیے. ارے والدین کا ہمارے چادر سے کیا چکر؟ علی نے کہا تھا, انہیں بھی خبر نہ ہوئی کہ شب ہجرت چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے کہ علی سو رہا. اب جو پلو اٹھایا تو بڑے میاں ندارت, مردہ ہو گیا ہے. عزیزانِ گرامی مگر خدا کی قسم سنیے, جس کے پاس مظہر جلالت ربانی ہو اور جس کے پاس مظہر جو مظہر صفات الہی ہو اس کا کمال دیکھیں آپ. بڑھیا جو اترا رہی تھی وہ علی کے دامنگیر ہو گئی کہ سرکار زندہ کریے. اس کو پتا ہے کہ جس کا اختیار موت پہ ہو سکتا ہے اس کا اختیار زندگی پہ ہو. اب میرا جملہ نہیں ہے, مولانا خدا ان کی روح کو شاد کرے, مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کا جملہ ہے کہ کیا کہنا مولا کائنات کی اس عظمت کا اور ان کے کارنامے کا, ان کے صفات کا, اور اس صفات کا جس کے وہ مظہر ہے. کہ علی کا کام دیکھیں آپ, ہم اور آپ پوری زندگی اسی زندگی کے لیے ٹھکرایا کرتے ہیں, لیکن امیر المومنین کی زندگی میں نہ زندگی کی کوئی محیثیت ہے نہ موت کی کوئی اہمیت ہے. اس لیے کہ اگر آپ علی کی زندگی کے چیپٹر دیکھیں تو نہ زندگی کی کوئی اہمیت نہ موت کی کوئی حیثیت, اس لیے کہ علی کی ایک تکبیر کا نام موت ہے اور ایک ٹھوکر کا نام زندگی ہے. عزیزان گرامی تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب علی نے کیا کیا, ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا. صاحب یہاں ٹھوکر ماری اور یہاں لفظیں ملتی ہیں قم بیزنی قم بیزنی قم بیزنی, اٹھ جا میرے حکم سے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے اللہ بھیلے, مگر وہ والا جہاں ارادہ ہوا ہے. اب آپ کہیں گے شرک ہو گیا نا, ملا دیا اللہ سے, ملایا نہیں مجبوری ہے مظہر ہے. اب سمجھ میں آیا کائنات میں دو ہی پسند
को कुरान भी सुनाया, तारीख भी सुनाया। कुरान में अल्लाह है जो सोच ले वो हो जाता है, तारीख में अली है जो सोच ले वो हो जाता है। एक सलाम पढ़ दे पर मोहम्मद। अच्छा एक जरा और सलावत पढ़ ले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात जल्दी से आगे बढ़ा दो तो आपने गौर किया कि अल्लाह कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाह, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा। क्या क्या अल्लाह का इरादा ठहरा? कि अल्लाह अहले बैत से हर तरह के रिज्स को दूर रखे। अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह अहले बैत से हर रिस को दूर रखे। दो लफ्ज़े आपकी खिदमत में पढ़ लो, बात क्लियर हो जाए। यहां जो अल्लाह ने कहा है वो कहा है लियुज़हिबा, अरबी जुबान में दूर कर देने के, इग्नोर कर देने के, हटा देने के, दफा करने के, छटका देने के दो लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज है लफ्ज़ इज़हाब, एक लफ्ज है लफ्ज़ इखराज। दो ही लफ्ज़ है, या तो इखराज है या इज़हाब है। इज़हाब का माना भी वही है, दूर कर देना, हटा देना, इग्नोर करना, दफा करना। इखराज का माना भी वही है, दूर कर देना, हटा देना, छटका देना। मगर कमाल अहले बैत देखे, जब अहले बैत की पोजीशन में रिस वाली बात आती है, गंदगी वाली, गलाजत वाली, निजासत वाली, तो अल्लाह किस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा वो देखे। अल्लाह कह रहा है लियुज़हिबा, अल्लाह ये भी कह सकता था लियुख़रिजा, लेकिन अल्लाह ने क्या जुबान के अंदर जाज़बियत रखी कि अल्लाह ने कहा अहले बैत से गंदगी को दूर रखना है तो अल्लाह ने लियुज़हिबा कहा, लियुख़रिजा नहीं कहा। उसकी वजह सुन लें आप और बात क्लियर हो जाए। मसलन जैसे मुझे प्यास तो लगी नहीं, मगर मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मुझे मजलिस के दौरान प्यास लग जाए और एक साहब ये गिलास भर के पानी मुझे दे दे, और जैसे मैंने एक कूज़ा उठाया, पानी का गिलास उठाया, तो मेरी निगाह ज़र्फ़ पे पड़ी, मैंने ज़र्फ में पानी के साथ कुछ और मसरूफ देखा, देखा हशरातुल हवा है, कोई मच्छर है, तो मैंने सोचा कि लाओ इसे पानी से निकाल दो। पर मैंने गिलास के अंदर दहाने में उंगलियां डाली और उस कीड़े मकोड़े को पकड़ा और पकड़ के गिलास से निकाला और निकाल के यूं दूर कर दिया। अब आप बताइए ये इखराज है या इज़हाब है? गौर कर रहे हैं आप? गिलास के अंदर कीड़ा गिर गया, मैंने निकाल दिया उंगलियों से पकड़ के और दूर कर दिया, ये है क्या इज़हाब है कि इखराज है? यहां लियुख़रिजा बोलेंगे या लियुज़हिबा बोलेंगे? तो हर दानिशमंद बंदा कहेगा साहब ये इखराज है, क्योंकि इखराज वहां होता है जहां शय पहले से आ जाए फिर उसे निकाल के खारिज किया जाए। तो लियुख़रिजा वहां बोला जाएगा जहां गंदगी पहले से आ गई हो फिर उसे निकाल के पाक किया जाए, वहां आएगा लियुख़रिजा। लेकिन अजीजाने गिरामी, अब अगर कोई तश्तरी इसी गिलास पे लगा दी जाए तो है किसी कीड़े मकोड़े की औकात कि जो इस तहारत के कूजे में गोताजन हो? क्या सुन रहे आप अजीजाने गिरामी? ये क्या है कि ये तश्तरी का लगाना बता रहा है, ये इज़हाब है। अब बात वाजे हो गई कि लियुख़रिजा का इस्तेमाल वहां होता है जहां कोई गंदगी पहले से हो निकाला जाए, लेकिन लियुज़हिबा का इस्तेमाल वहां होता है जहां बैरिकेडिंग ऐसी कर दी जाए कि कोई गंदा सिफत आदमी यहां फटकने भी ना पाए। एक सलाम पढ़ दे पर मोहम्मद। समझ रहे हो? वजाहत हो जानी चाहिए, लिहाजा कोई भी गंदगी का यहां कोई पुलिंदा यहां तक आ नहीं सकता। क्यों? क्या इसलिए कि बैरिकेटिंग लगी लियुज़हिबा की। अब जरा आयत की नुदरत देखे, एक तो इन्नमा का पहरा, ऊपर से लियुज़हिबा की बैरिकेटिंग, सुनिएगा, फिर तारीख की भोंडी भोंडी रिवायतें
कि फला भी दाखिले के साथ हुई थी, फला भी अहले बैत में है, वो फला भी अहले बैत में है। भाई साहब क्लियर होना चाहिए कि अहले बैत में हर ऐरा गहरा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि यहाँ इन्नमा का पहरा है, और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे बैरिकेटिंग ले युजेबा की है, लिहाजा जिसके जिंस में रिस्क के आसार होंगे वो दाखिले अहले बैत नहीं हो सकता। अब चलती रहे मार्केट में रिवायतें कि वो भी शामिल थी और वो भी अहले बैत में है, वो भी अहले बैत हो ही नहीं सकती। अहले बैत, अहले बैत कहते ही उसे है, सुनिएगा, कि जो फितरत इंसानियत पर गालिब आ जाए। अब इससे ज्यादा वजाहत नहीं हो सकती, ठीक। मैं इशारे में एक बात कह दूं तो इन्नमा सुन चुके आप, योरिदुल्ला सुन चुके आप, लयुज़हबा सुन चुके आप। अब अहले बैत की बात है, एक जुमला सुन लीजिए, बात तमाम कर दो। अल्लाह कह रहा बस, और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह अहले बैत से हर तरह का रिस्क दूर रखे, हर तरह का रिस्क, यानी जितनी भी साहेबान रिस्क है, गौर कर रहे हैं, अब वो साहेब हो या साहेबा हो, किसी भी तरह की आलूदगी वाले हो, वो अहले बैत से दूर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्नमा का पहरा भी लगा है, ले युज़हबा की बैरिकेटिंग भी लगी है, अल्लाह का इरादा भी है। तो आपको आ ही नहीं सकता अहले बैत में। तो सवाल ये है कि पता लगाओ कि अहले बैत होते कैसे हैं। तो सब आप पता लगाने आएंगे होते कैसे हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा इस मादी दुनिया में अहले बैत को परखने के लिए समझ लो कि जो सिफात इंसानी से बालातर हो वो अहले बैत। अब आइए हम आपको कुरान में एक जुज दिखा दें अहले बैत का, ताकि आप जिस अहले बैत के चाहने वाले हो सीना ठोक के कहो के किसे मानते हैं। भाई साहब सीना ठोक के कहो के किसे मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमाया 14 मासूमीन हो, 12 इमाम हो, 5 पाक हो, अहले बैत हो। हम ही वो कौम है जो एहसास फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हमारे अहले बैत हमारी माँ के अहले बैत, हमारी बहन के अहले बैत, हमारी बेटी के अहले बैत, हमारे 12 इमाम हमारी माँ के 12 इमाम, हमारी बहन के 12 इमाम, हमारी बेटी के 12 इमाम। सुने आप, कह सकते हैं हम ही वो लोग हैं। और जो अपने अपनों को मानते हैं अगर हिम्मत हो, वो भी कहे कि हमारे 4 यार है भाई, बहन के 4 यार है भाई, माँ के 4 यार है भाई, बेटी के 4। एहसास फख्र उसके साथ कहते हैं भैया, हम तो कहते हैं, खुल के कहते हैं, और हम सबको कहते हैं कहो, और कर रहे हैं आप। तो अजीज आने गिरामी एहसास फख्र के साथ कहिए अहले बैत के चाहने वाले। क्यों चाहने वाले? क्योंकि अहले बैत होते ही ऐसे है पाक, सोच ही नहीं सकते यार आप वहां कुछ अहले बैत के चाहने वाले। आओ मैं आपको एक शिक अहले बैत की कुरान में दिखाऊं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की एक जौजा को अहले बैत कह दिया। सुनिएगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि जौजा दो थी। अब आप सोचे किसको कहा होगा। हम भी जब शुरू में समझे तो हम तो समझे कि हजरत उनको कहा होगा, हजरत हाजरा को, इसलिए कि वो काबे के करीब थी, इस्माइल को लिटा के गई और दौड़ी, तो उनकी सुन्नत आज तक कायम है। उनकी सुन्नत पे अमल ना हो तो हज ना हो, इतनी बाबरकत खातून। लेकिन जब कुरान की तारीख में ढूंढा तो पता चला हाजरा को नहीं कहा था, सारा को कहा था, ठीक। अच्छा सुनिए, आप कब कहा था? तारीख कुरान ने बताया जब हजरत सारा 90 साल की हो गई, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम 120 साल के थे, ठीक है। इब्राहिम थे 120 साल के और हजरत सारा थी 90 साल की, और एज के इस महाज पर पहुंचने के बाद उन दोनों की तरफ अल्लाह ने इशारा करते हुए एक पेशन गोई की और यह कहा बहुत जल्द हम तुम्हें एक गुलाम की बशारत देते हैं, यानी तुम्हारा एक बेटा होने वाला है। तुम्हारे एक बेटा होने वाला है। उस पे जनाबे सारा महवे हैरत हो गई कि साहब 90 साल की उम्र में इस तरह की बातें अल्लाह की तरफ से होना, हमने तो समाज में नहीं देखा कि इस एज की भी औरतें जनती हो या उनके यहां भी विलादत होती हो।
अगर आप इसको मेडिकल लेवल पर सर्च करेंगे तो इससे ज्यादा खुल के मैं बोल नहीं सकता। जाहिर दुनिया जानती है कि एज महकामे तवल्लुद में एक मेयार होता है एज का, उससे ज्यादा एज पा विलादत की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मगर अल्लाह ताला ने 90 साल की उम्र में सारा को विलादत का मसला और पैगाम देते हुए एक जुमला कहा, ये तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम अहले बैत हो। और कर रहे आप, क्योंकि तुम अहले बैत हो। अब अगर दुनिया अक्ल पूछे कि साहब ये आयत हमें समझ में नहीं आती, ये कुरान हमें समझ में नहीं आता, अरे 55-60 बरस के बाद बच्चा होने का क्या ताल्लुक, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है, ये अक्ल में तभी आएगी जब आप अक्ल से ऊपर सोचोगे। अरे आम खातून हो तो आप आम के साथ सोचो, मगर जब खास खातून है तो उनके आप ये सफत नहीं सोच सकते, लिहाजा उन्हें अहले बैत का नाम दिया गया। ऐसे ही कुरान में किसी और एक खातून को भी अहले बैत कहा गया, गालिबन जनाब मूसा की माँ को कहा गया, हाँ जनाब मूसा की माँ को कहा गया, उन्हें भी अहले बैत कहा गया। और तीसरी जगह कुरान में अहले बैत जनाब फातिमा के लिए खास आया, ठीक है। अहले बैत देखिए, इन नमा पे भी तीन आयतें सुनी थी, अहले बैत पे भी सुन लो तीन जगह। कहा साहब वहां भी अहले बैत इब्राहिम की ज़ौजा, वहां भी अहले बैत मूसा की ज़ौजा, यहां भी अहले बैत अली की ज़ौजा। अब आप सुनिए, हो सकता है कोई बंदा कह दे कि मूसा की माँ को अहले बैत कहा गया, इब्राहिम की ज़ौजा को अहले बैत कहा गया और रसूल की बेटी को अहले बैत कहा गया, वजह तो सुनिए, इब्राहिम की ज़ौजा को इसलिए नहीं अहले बैत कहा गया क्योंकि वो इब्राहिम की ज़ौजा थी, बल्कि तारीखों ने बताया इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक बरगजीदा शख्सियत की बेटी थी। और कर रहे आप, वो इस्मत माँ घराने से थी और एक मासूम की बेटी थी, लिहाजा उन्हें अहले बैत कहा गया। ऐसे ही मूसा की माँ को इसलिए नहीं अहले बैत कहा गया कि वो एक नबी की माँ थी, बल्कि इसलिए अहले बैत कहा गया कि वो एक मासूम बरगजीदा शख्स की बेटी थी। ऐसे ही फातिमा को इसलिए नहीं अहले बैत कहा गया कि वो हसनैन की माँ थी, बल्कि इसलिए कहा गया कि वो एक मासूम की बेटी थी। अब समझ में आया कि जमाने वालों, हर एक को अहले बैत में ना दाखिल किया करो, कम से कम कुरान पढ़ लिया करो कि अल्लाह ने इससे पहले जिनको जिनको अहले बैत कहा है उनका बाप कौन था। एक सलात पढ़ दे बर मोहम्मद, एक सलाम मिल के सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। सठ मिनट आपके ले लिए, 58-59 मिनट पूरे आपके मैंने ले लिए, बात समेट रहा हूं। इरशाद हो रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज़्ज़ा अलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। इरशाद हो रहा है, बस और बस अल्लाह का इरादा ये ठहरा कि अल्लाह अहले बैत से हर तरह की गंदगी को दूर रखे और इन्हें ऐसा पाको पाकीज़ा गर्दाना जाए जो पाको पाकीज़गी का हक है। खुदा की कसम, सिर्फ इन आयात के महाज पर अगर अहले बैत को समझ लिया जाए तो रश करेंगे आप कि आप अहले बैत के चाहने वाले हैं। खुदा की कसम, ज़मीर खुश हो जाता है, दिलो दिमाग ताज़ा हो जाता है, बंदा बिल्कुल से आवेज़ा हो जाता है कि साहब हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि अहले बैत ऐसी शख्सियतें हैं और ऐसे मेयार के लोग हैं कि जिनको चाहना हमारा फ़र्ज़ है और इनको चाहने से खुदा की कसम दिलों को जिला मिलता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आप सोचें और मुसलमान इस बात पर गौर करें कि ऐसा नहीं है कि जिन्हें अल्लाह ने अहले बैत कहा उनकी अज़मत आलम इस्लाम में कुछ कम थी, अज़मत सारा भी आलम इस्लाम में मौजूद है, मादरे मूसा की भी अजमत आलम इस्लाम में मौजूद है, हर ज़माने में उनका रिस्पेक्ट हुआ है। लेकिन अज़ीज़ आने गिरामी,
जो सबसे बड़े पैगंबर और सबसे बड़े मासूम की इकलौती बेटी थी, जमाने ने उसके साथ नाइंसाफी कर दी। जबकि मैं आपको हवाले दिखा सकता हूं आलम इस्लाम की मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों के, साफ साफ पैगंबर की हदीस सबके यहां मौजूद है कि जिसने भी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया, और खुदा को नाराज करने वाला काफिर है, जहन्नमी है। जितनी किताबें कही मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों में यह हदीस मौजूद है, वो कायदे से मौजूद है। और इत्तेफाक ये देखे कि रिवायतें भी मौजूद है उम्मुल मोमिनीन से कि पैगंबर को ये कहते हुए सुना है। अजीजाने गिरामी, मगर आप खुद सोचें, मैं तो पढ़ता थोड़ा सा मगर वक्त नहीं रहा, कि बीबी के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। अजीजाने गिरामी, देखे हमला होना किसी के घर पे अरब की जहालत में कोई मामूली बात नहीं है। अरब में रसूल अल्लाह के भी घर पे हमला हुआ मक्के में, और अरब में ही मदीने में फातिमा के घर पे भी हमला हुआ। लेकिन जो रसूल को मारने आए थे और जैसे ही रसूल के घर पे पत्थरबाजी की तो फौरन दरवाजे पे दौड़ के हजरत खतीजा आ गए, और हजरत खतीजा ने आके ललकारा और कहने लगी कि हे अरब के लोगों, हे मक्के वालों, हमारे टुकड़े पे पले हुए हो, हमारे शौहर को मारने आ गए हो, तुम उस घर पे पत्थरबाजी कर रहे हो, वहां पत्थर मार रहे हो कि जिसमें हमारा शौहर है, जहां रसूल है, तुम उसे मारने आए हो, जबकि तुम्हें नहीं पता कि हम हैं कौन। अजीजाने गिरामी, ये कहते हुए जनाबे हजरत खतीजा ने ललकारा तो सारे के सारे मक्के वाले जो दुश्मन रसूल थे, जो घर लूटने आए थे, रसूल को मारने आए थे, वो सब के सब वापस चले गए। क्यों? क्योंकि वो ईमान फरामोश थे, एहसान फरामोश नहीं थे। लेकिन तारीख कहती जब फातिमा के घर पे हमला हुआ तो दौड़ के फातिमा भी दरवाजे पे आई, और जब दरवाजे पे आई तो फातिमा ने भी खुतबा दिया और कहा, ए अहले मदीना, क्या भूल गए कि मैं रसूल की इकलौती बेटी हूं? क्या तुम भूल गए कि इस घर में रसूल के दो छोटे छोटे निवासे? क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे बच्चों को रसूल अपने दोष पर सवार करते थे? क्या तुम इस भूल गए कि मेरा बाबा रोज इसी घर पे सलामी को आता था? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उस घर को आग लगाने आए हो कि जहां रसूल की नामूस, रसूल की बेटी मौजूद है? अजीजादे गिरामी, मगर जालिमों ने एक न सुनी, फातिमा का घर जला दिया। अजीजादे गिरामी, मैं कैसे आपसे जुमला पढ़ूं, मेरा दिल हिल जाता है। अहले जलाल पूरे आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब मजलिसे करते हो, सुनते हैं, मगर एक जुमला पढ़ूं, रवायत कहती कि फातिमा का घर जलता रहा और बीबी दरो दीवार के दरमियान पिसती रह गई, मगर एक जुमला कहने का दिल चाहता है। देखे अल्लाह सोगवारों को सब्र दे, हसन भाई को अल्लाह सब्र दे, उनके छोटे बच्चों को अल्लाह सब्र दे, उनकी बेटियों को अल्लाह सब्र दे, वाकई इनके ऊपर बड़ी मुसीबत है। लेकिन एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, भाई इंसाफ से बताइएगा, आपकी शरीके सफर ने आपका साथ छोड़ दिया, मगर कम से कम आपके बच्चों को संभालने वाले घर पे आए होंगे, अहले मोहल्ला ने आके आपको सहारा दिया होगा, शान से जनाजा उठा होगा, अरे शान से आपने उनका तीजा तो किया होगा, किया होगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, ये आपके यहां फातिहा क्यों होता है? मुझे बताइए ये तीजा क्यों होता है? तो मुझे जो समझ में आया वो सुने, क्योंकि शरीयत कहती है कि मिट्टी को जल्दी से जल्दी दफन कर दो, तदफीन जल्दी से जल्दी किया करो, ये अहकाम शरीयत है। मुझे लगता है फातिहे की रिवाज इसलिए भी है ताकि हमारा दूर का कोई रिश्तेदार जो मिट्टी में नहीं आ सका था, वो दूसरे तीसरे रोज घर पे आके पुरसा तो दे ले। अजीजाने गिरामी, मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ए नौजवानों, मैं ये नहीं बताऊंगा, कोई तुमसे पूछे मोहसिन की शहादत की तारीख बताओ तो ये ना कहना पहली रबी अव्वल, बल्कि कहना 28 को रसूल दुनिया से गए, जिस दिन फातिमा के घर पे रसूल का फातिहा होना चाहिए था, जालिमों ने आग और लकड़िया, अरे बेटी का दरवाजा। अल्लाह अल्लाह अकबर, बुलंद है आपकी आवाजें गिरिया, ए आजादारों, रोने में तकल्लुफ न करिए।
करिएगा, इसलिए कि आज दस्तूरे मजलिस अजब है। आज अब तक की मजलिसों में आप फातिमा को पुरसा देते थे, लेकिन आज की मजलिस में फातिमा का पुरसा देना है। अजरकुम अल्लाह। आप मुझे बताएं क्या गुजरी होगी उस बेटी पर। खुदा किसी को यह दिन न दिखाए मेरे भाई कि किसी की मैयत हो गई हो, जिस दिन उसके घर पे फातिहे का एहतमाम होना चाहिए उस दिन सारा महल्ला घर जला रहा हो। फातिमा रो रो के दरवाजे पे कह रही थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी ज़ैनब लरस जाएगी, वापस चले जाओ। मेरी कुलसूम तड़प जाएगी, वापस चले जाओ। रिवायत कहती फातिमा का घर जला दिया गया। रिवायतों का टुकड़ा है कि एक जालिम खुदा की लानत हो उस पर, उसने इतनी जोर की ठोकर दरवाजे पे मारी कि जलता हुआ दरवाजा टूट के गिरा। उस दरवाजे के लोहे की एक कील फातिमा के बदने मुबारक में आ गई। बीबी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। बहुत सुना होगा आपने मरसिया बीबी का। फातिमा रो रो के कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलैया मैं सिरना ले आलिया। खूब सुनते होंगे, कभी इस पूरे दीवान को पढ़िए, यही शेर तो आप सुनते हो ना, कभी इस पूरे दीवान को पढ़ो। उसमें रो रो के रसूल की बेटी कहती बाबा आपके बाद बहुत सताया गया, ए बाबा आपके बाद जालिमों ने बेटी को रोने नहीं दिया। बाबा जिस दरवाजे पे आप सलामी को आते थे उसे जालिमों ने नजरे आतिश कर दिया। ए बाबा जिस बेटी के एहतराम में खड़े होते थे उसे दरो दीवार के दरमियान ऐसे पीसा गया जैसे चक्की के दो पार्ट में गंदों पीसा जाए। फातिमा ने एक जुमला और कहा है, साहिबा ने फातिमा जहरा का जुमला सुनेंगे आप अजीजा ने गिरा, एक जुमला और कहा है। इसलिए जुमला अर्ज कर रहा हूं कि आप ऐसे बावकार अफराद बैठे होंगे जिनकी बहनें होंगी बेटियां होंगी। खुदा आपकी बहनों बेटियों की इज्जत सलामत रखे। बस एक जुमला कहूंगा, जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह की बातें करते ना कि साहब कैसे आप लोग पढ़ देते हैं, सुनिए मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, खुदा ना करे किसी की बहन और बेटी उम्मीद से हो और कोई बदबख्त उसके शिकमे मुबारक के साथ बदउनवानी कर जाए। जब तक जिंदा रहोगे ऐसे को माफ नहीं करोगे। मैं कैसे आपके साथ ये जुमला पढ़ूं और कैसे आपकी खिदमत में जुमला पहुंचाऊं। रिवायत कहती फातिमा ने रो के जो मर्सिया पढ़ा है, फातिमा ने रो के कहा बाबा मेरा वो बेटा जिसका नाम आपने मोहसिन रखा था, इन दरिंदों ने मेरे बच्चे को मार डाला। ये कह के फातिमा बेहोश हो गई। ए आज़ादारो, अब जो फातिमा को होश दिलाया गया तो अली घर में ना थे। रो के एक जुमला का खल्लू अबल हो चुकी मजलिस, दे चुके पुरसा। बस एक रिवायत पढ़ना मकसूद है, मजलिस तमाम कर देता हूं, इसलिए कि शायद इस रिवायत से टूटे हुए दिलों को तसल्ली मिल जाए। शायद मरहुमा जो अपने नायाब बच्चे छोड़ के गए हैं, शायद उनके दिलों को कुछ राहत हो जाए। मैं इसी रिवायत के साथ उन बच्चों की खिदमत में पुरसा दे देता हूँ। मैं अपनी उन बहनों की खिदमत में, उन भाइयों की खिदमत में पुरसा देता हूँ जिन्हें दागे यतीमी मिला है, जिन्हें अपनी माँ की मुफारकत मिली है। सिर्फ एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जाहिर है कि जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ तो सबने सहारा तो दिया। आज शान से मजलिस हो रही है, इत्मीनान कल तो हुआ होगा, लेकिन आओ हम तुम्हें एक गरीब बीबी का जनाजा दिखाएं। ऐसा गुरबत ज़दा जनाजा दिखाते हैं कि तारीख कहती है कि जब फातिमा दुनिया से रुखसत हुई है तो रिवायतों का जुमला है कि मौला इमाम हसन और हुसैन जब दौड़ के घर में आए तो आसमान ने आंसू पोछ लिया। वो आंसू पोछ के एक जुमला का, मेरे बच्चों पहले खाना खा लो। जिनके भी माए हैं दुआ
करना, माए हैं तो अल्लाह जिंदगी दराज करे, माए उठ गई तो अल्लाह जन्नत में जगह दे। एक जुमला, बच्चों ने रो के कहा आसमा माँ कहाँ है, तो बच्चों पहले खाना खा लो। बच्चों ने एक जुमला का आसमा, कभी देखा कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? आसमा जब तक अम्मा नहीं खाती हम नहीं खाते। आंसू रुका नहीं, फिर आसमा ने हुजरे का इशारा किया, दो छोटे छोटे बच्चे हुजरे में आए तो माँ को जिंदा ना पाया, जनाजे से हस्तैल लिपट गए, अम्मा हमें किस पे छोड़ चली। ए आजादारो, रो चुके बच्चे तो मस्जिद को आए, और आके बच्चों ने एक बेसाख्ता जुमला का, बाबा हमारी माँ मर गई। नौजवानों, आजादारो, खुदा किसी को यह दिन न दिखाए कि किसी के छोटे छोटे बच्चे आके उसे यह खबर सुनाए। बच्चे आके कहते हैं बाबा हमारी माँ मर गई। अली मस्जिद से बेसाख्ता दौड़े, रिवायतों में इतना तो मिला कि अली मस्जिद से दौड़े, मगर आगे सब फिक्रा सुनेंगे। अभी मस्जिद से दौड़े थे कि सहने मस्जिद तक पहुँचते पहुँचते अली के पैर आगे न बढ़ सके, अली ने घुटने जमीन पर तोड़ दिए, सर पर हाथ मारा, मेरे अल्लाह अली गरीब हो गया। चला न गया अली से, फातह खैबर और खंदक जमीन पे बैठ गए। बच्चों ने सहारा दिया, बाप घर आया, हज़्ब वसीयत सैयदा अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो गया ना, आप सुनते रहते, मैं एक रिवायत पढ़ना है, रिवायत ना होती तो ना पढ़ता। अजीजा ने गिरामी, बस अली है, तन्हाई शब है, मदीने का ना हंजार माहौल है, और उस माहौल में अकेला गरीब फातिमा के जनाजे पर रात की तारीकी में खड़ा हुआ है। कभी अली फातिमा का गुर्बत वाला ताबूत देखते हैं, कभी अपने छोटे कुमलाए हुए गुलाबों को देखते हैं, कभी फातिमा का जनाजा, कभी हसनैन का चेहरा। जब अली से बर्दाश्त ना हुआ तो जनाजे की तरफ देख के मर दिया पड़ा, वाह गुर्बत, वाह गुर्बत, ए फातिमा अली गरीब हो गया। अरे ऐसे आलम में साथ छोड़ा कि तुमने ये भी ना सोचा कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊंगा। अल्लाह हू अकबर, बाप गुर्बत को मरसिया पड़ रहा है, फातिमा मैं गरीब हूँ, फातिमा मैं तना हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊंगा। कि इतने में बाप की गुर्बत का मरसिया दोनों शहजादों ने सुना। सुनो भाई, ये रिवायत मजलिस तमाम है। दोनों शहजादों ने बाप की गुर्बत का मरसिया सुना। अब ये कायनात की इतनी मजलूम रिवायत है, जवानों जैसे चाहना सुन लेना। दोनों बच्चे उठे, तारीकी ये शब में अपने घर का दरवाजा खोला, छिप छिप के मदीने की गलियों में चले। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। छिप छिप के मदीने की गली में आगे बढ़े, कोई देख ले ना पाए, और रोते हुए बच्चे एक दहलीज पे आके दक्कुल बाप करते हैं। दरवाजा साहिब खाना ने खोला का कौन, दोनों फातिमा के गरीब बच्चों ने दामन फैलाया, भीख मांगने के अंदाज में कहते हैं चचा सलमान मेरी माँ का जनाजा पड़ा है, मेरा बाबा तना है, अरे कोई चलो मेरी माँ का जनाजा उठवा दो। ए आजादारो, ये कायनात के गरीब थे जो जनाजा उठवाने की भीख मांग रहे थे, सलमान आए, फातिमा का जनाजा उठ गया। मैं कहूंगा बीबी जारा खुशा नसीब, आपका तो जनाजा उठ गया, जरा करबला आइए, आपका हुसैन जनाजा पारा पारा, आप इनका मरसिया, वाह गुर्बत। وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بار الله
तुझे वास्ता है मोहम्मद वाली मोहम्मद का, हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह हमारे गुनाह ने सगीरा व कबीरा को बख्श दे, हमारे वालदैन के गुनाह ने सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, हमें जो मकरूज़ है उनका गैब से कर्ज अदा फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ये हाथ जो तेरी बारगाह में बुलंद है इन्हें अपने अलावा किसी गैर का मोहताज करार न दे। बानियान मजलिस, सामईन मजलिस, हाजरीन मजलिस के तमाम दिली मकासद को पूरा फरमा, रौज़ात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी के रोज़ों की जल्द जल्द तामीर फरमा। जो हजरात हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं उन्हें उनसे मुशर्रफ़ फरमा। मेरे महबूद, इस जहाँ में जितने भी शियान हैदर कर्रार है सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस खून पर्दे की हिफाजत फरमा। उलमाए हक मराज हक का साया सरों पर बाकी रख, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक को सरनगुं फरमा। मेरे मौला, इस वक्त तेरे हुजूर जितने भी मोमिन मोमिनात जो दुआएं लेके बैठे हैं, अजमत हुसैन का वास्ता, मजलिस हुसैन का वास्ता, सबकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिस तरह हम यहाँ बैठ के बीबी जनाब जहरा की मजलिस बर्पा कर रहे हैं, हमें वो दिन दिखा कि हम जन्नतुल बकी में शहजादी की मजलिस बर्पा करें। ए मेरे अल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस कायनात में जितने भी मजलूमीन हैं उनकी हिमायत व हिफाजत फरमा, जालिमों को नीस्त नाबूद फरमा। मेरे महबूद, इस मजलिस का जो भी सवाब मरहुमा की रूह को पहुँचे उनके पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। मेरे महबूद, दुआओं में ख़ास दुआ है फर्जंद जहरा हजरत हुज्जत के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत, गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहुमा कनीज सुगरा करबलाइया मरहुमा बिनते मोहम्मद ईसा करबलाई मरहूम की रूह को इस्तार फरमा दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।